चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास टेंथ की हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका समास। और इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो है संधि। संधि में तीन प्रकार हमने देखे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं समास की, कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, क्या होता है समास। समास जो शब्द है अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। ठीक है, यहां पर अगर हम सम की बात करें तो सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना। अगर यहां पर इसकी बात करें तो इसका यहां पर मीनिंग क्या होता है, पास रखना। ठीक है, या फिर अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं, पास रखना मतलब इसका अर्थ यहां पर हिंदी में समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण करना या फिर संक्षेप करना, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटा करना। ठीक है, तो यहां पर जो है हम समास के अंदर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नवीन शब्द बनाते हैं। तो ये जो नवीन शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम यहां पर क्या कहेंगे, समास। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, कि दो शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि समास में कुछ नियम हैं। जैसे हम संधि में भी कुछ नियम पढ़ते हैं, कुछ नियम होते हैं संधि करने के, वैसे ही समास के भी कुछ नियम हैं। उन नियम के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ नियम हैं इसमें। जो सबसे पहला जो नियम आता है, सबसे पहला नियम हमारा क्या बोलता है, कि समास की प्रक्रिया में हमें कम से कम हिंदी में यहाँ पर हम सिर्फ कितने पदों के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ दो पदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कम से कम कितने पद चाहिए, दो पद चाहिए। दो से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं, बट हमें जो हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें सिर्फ दो पदों के लिए पढ़ना है। तो आपकी जो बुक है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका लिखा हुआ है कि समास के लिए कम से कम दो पद होना चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और जो दूसरा जो पद होता है उसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पद। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि कम से कम हमें कितने पद चाहिए, दो पद चाहिए। ठीक है, जो पहला जो पद होगा इस पहले पद को हम क्या बोलेंगे, पूर्व पद भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो पद है, दूसरा जो पद है इस दूसरे पद को हम क्या बोल सकते हैं, उत्तर पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर जो समास के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें कितने पद होंगे, आपके दो पद होंगे। ये आपका क्या है, पहला नियम है। दूसरा नियम अगर आप देखेंगे तो दूसरा नियम आपका क्या है, कि समास रचना की प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। मतलब यहां पर अगर हम देखें, कुछ ऐसे शब्द हम देखेंगे जिन शब्दों के बीच में हमें क्या लिखेगी, विभक्तियां लिखेगी। क्या लिखेगी, विभक्तियां। विभक्तियां क्या होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ी है, संस्कृत में हिंदी में पढ़ी है हमने। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है, अधिकरण में या फिर पर। तो ये जो है संबंध के लिए का, की के हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारे के सारे क्या होती है, विभक्तियाँ। तो यहाँ पर ये जो विभक्तियाँ जो होती है, इन विभक्तियों को हम क्या करेंगे, जब भी शब्दों को जोड़ेंगे, दो पदों को जोड़ेंगे, तो उन विभक्तियों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, चले। तीसरा जो यहाँ पर नियम है वो क्या है, तीसरा नियम हमें यहाँ पर बोलता है कि समास होने पर दो पदों पर आपस में मिलकर एक संक्षिप्त स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है, जब भी हम दो या दो से अधिक पदों को जब जोड़ते हैं तब वहां पर हमेशा क्या होगा, यहां पर जो है जो बनने वाला जो नवीन शब्द होगा, बनने वाला यहां जो नवीन शब्द होगा उसका जो रूप देखेंगे या फिर उसका आकार जो देखेंगे तो आपको हमेशा क्या दिखाई देगा,
संक्षिप्त दिखाई देगा, मतलब कैसा दिखाई देगा, वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पीत है अंबर जिसका, इसको हम क्या कहते हैं, पीतांबर। तो यहां पर अगर देखेंगे पीत है अंबर जिसका, तो ये शब्द बहुत लंबा है। अगर हम कहें कि इन सारे शब्दों को मिलाकर अगर हम एक यहां पर पद बनाएं, जैसे हम क्या बोलेंगे, समस्त पद। क्या बोलेंगे, समस्त पद। तो ये समस्त पद जो होगा बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा कि जो नवीन शब्द जो बनेगा उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, संक्षिप्त होगा, छोटा होगा। और जो बनने वाला यहां पर जो नवीन शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, समस्त पद। क्या बोलते हैं, समस्त पद। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, जो चौथा जो यहां पर आपका नियम है वो हमें बोलता है कि समास होने पर यदि संधि करना संभव होता है, अगर हम कहीं संधि के भी जो नियम है अगर कहीं पर लग रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, समास में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जो संधि के जो नियम है, और संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, संधि क्या होती है, वर्णों के बीच होती है। तो जहां अगर कहीं हमें लगता है कि हमें वर्णों का मेल करना चाहिए, वर्णों को जोड़ना चाहिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उन वर्णों को जोड़कर हम लोग क्या कर देंगे, उसकी संधि कर देंगे। तो संधि के नियम को हम कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, समास में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके नियम है। तो इसकी जो सिंपल जो परिभाषा जो है आपकी बुक में लिखी है, क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समास। ठीक है, चले अब हम यहां थोड़ी बात करते हैं कि ये समास हमने पढ़ने की जरूरत क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो हमें यहां पर जो है समास को पढ़ने की जरूरत क्या है, जैसा अगर हम देखें यहां पर जो हमारे सामने जो शब्द है, मैंने कहा है, एक उदाहरण के लिए अगर हम देखें, मैंने कहा कि पीला है अंबर जिसका, क्या कहा मैंने, पीला है अंबर जिसका, जैसे कि मैंने यहां पर एक सामासिक पद लिखा है, पीत है अंबर जिसका, यहां पर इसके जो है अंदर बहुत सारे जो है शब्द है। ठीक है, तो हम यहां पर दो या दो से अधिक शब्दों को कितने कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो इन सारे शब्दों को मिलाकर हम सिर्फ इनको दो ही पदों में यहां पर लिख सकते हैं। तो इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं पीतांबर। क्या लिख सकते हैं, पीतांबर, मतलब जो पीत है अंबर जिसका, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पीतांबर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, इस उदाहरण के माध्यम से जो इतना बड़ा यहां पर पद है, एक सामासिक पद है, इसको हमने बहुत ही संक्षिप्त करके लिख दिया है। या जैसे मैंने कहा, नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नवग्रह। क्या कहते हैं, नवग्रह। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है यहां पर आप देखेंगे तो आपको दो से ज्यादा शब्द दिख रहे हैं। इन दो से ज्यादा शब्दों को हम कम से कम कितने शब्दों में कह सकते हैं, सिर्फ दो ही शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये जो है इसे हम यहां पर कहेंगे, इसे हम कहेंगे सामासिक पद। क्या कहेंगे, सामासिक पद। और ये जो है इस प्रकार के जो शब्द बनेंगे इसे हम यहां पर कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे, समस्त पद। ठीक है, तो यहां पर जो है अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। अगला मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, समास के प्रकार या फिर समास के भेद। समास के प्रकार, तो समास के जो है अगर हम यहां पर देखें तो समास के कितने प्रकार हैं, छह प्रकार।
कितने प्रकार हैं? छह प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रकार आपका आता है यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो क्या है आपका? अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला है आपका तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। थर्ड अगर हम यहाँ पर देखें तो थर्ड है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा जो इसका प्रकार है वो है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा जो इसका प्रकार है द्वंद समास। और सबसे जो आखिरी जो इसका प्रकार है वो है बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर समास के कितने प्रकार है? छह प्रकार है। ये छह प्रकार को हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इनको देखिए। हाँ, तो पहला प्रकार जो है वो क्या है आपका? अव्ययीभाव समास। इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या होता है अव्ययीभाव समास? यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि इस अव्यय का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये इस अव्यय का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो। क्या मतलब? बिना अर्थ वाले, बिना अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्ययी शब्द, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अविकारी शब्द। यह हमने पढ़ा है, इसे हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द, ठीक है। तो अव्ययी शब्द क्या होंगे? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी शब्द या फिर अविकारी शब्द। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? ऐसे हमने जो है क्लास नाइन्थ में क्या पढ़ा है? उपसर्ग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? उपसर्ग। ये जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सारे के सारे लगभग क्या होते हैं? अविकारी या फिर अव्ययी शब्द होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे अव्ययी शब्द जो हैं, ऐसे अव्ययी शब्द जो हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगने पर एक नया अर्थ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने कहीं यथा लगाया, कहीं प्रति लगाया, कहीं अ लगाया, कहीं आ लगाया, तो वो सारे के सारे क्या हैं? अव्ययी शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, वो आप देखिए। इसके पहले हम यहाँ पर समझे कि अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे। तो हम किसे कहेंगे? अव्ययी भाव समास की ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? अव्ययी हो। क्या हो? जिसका पहला पद क्या हो? अव्ययी हो। और उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये जो शब्द है क्या है? प्रधान है। इस समास में ये जो अव्ययी शब्द है यही शब्द क्या है? प्रधान है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो और प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय भाव समास। इसके उदाहरण लिखिए आप। मैंने यहाँ पर लिखा, मैं आपके सामने जो है समस्त पद लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं सामासिक पद। देखिए, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर पद लिखा वो है आपका प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन को अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन में जो है प्रति क्या है? एक तरह का उपसर्ग है, और दिन क्या है? यहाँ पे दूसरा पद है। तो इसको हम प्रतिदिन का यहाँ पर सामासिक जो पद होगा वो क्या होगा? हर दिन। क्या लिख सकते हैं हम इसको? हर दिन भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हम क्या लिख सकते हैं? यथाशक्ति। क्या लिखा मैंने? यथाशक्ति। तो यहाँ पर जो यथा जो है वो क्या है? एक तरह का उपसर्ग है, एक अव्ययी शब्द है, और यहाँ पर दूसरा पद क्या है? शक्ति। तो इसका हम यहाँ पे सामासिक पद क्या लिख सकते हैं कि शक्ति के अनुसार। क्या लिख सकते हैं? शक्ति के अनुसार। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि यथासंभव,
क्या लिखा मैंने यहां पर, यथा संभव। अगर मैं इसका संधि विच्छेद सॉरी अगर मैं यहां पर इसके समास विग्रह करूं तो समास विग्रह करने के पश्चात जो इसका सामासिक पद बनेगा वो क्या बनेगा आपका, संभावना के अनुसार। क्या बोलेंगे हम इसको, संभावना के अनुसार। ठीक है, वैसे ही मैं एक और शब्द लिख रहा हूं, मैंने शब्द लिखा कि आजन्म। क्या लिखा मैंने यहां पर, आजन्म। आजन्म की अगर बात करें तो इसमें जो है जन्म क्या है, एक शब्द है, और आ क्या है यहां पर, इसमें हमने क्या लगाया, एक अव्यय शब्द लगाया, एक उपसर्ग लगाया। तो इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, इसका अर्थ आजन्म का अर्थ होगा जन्म तक। क्या होगा, जन्म तक। वैसे ही मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं आमरण। क्या लिखा मैंने यहां पर, आमरण, मतलब इसका अर्थ यहां पे क्या होगा, मरण तक। क्या लिख सकते हैं हम इसको, मरण तक। और देखिए एक एग्जांपल मैं यहां पर और लिख रहा हूं, वो है यथा नियम। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है यथा नियम। यथा नियम का हम यहां पर जो है सामासिक पद क्या लिख सकते हैं, समास विग्रह करने के पश्चात क्या बनेगा, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। तो यहां पर ये जो सामासिक पद है आपको जो है समस्त पद से सामासिक पद भी बनाते आपको आना चाहिए, और यहां पर जो है सामासिक पद से आपको समस्त पद भी आपको बनाते आना चाहिए। जैसे आपके सामने जो है एक सामासिक पद दिया हुआ है संभावना के अनुसार, इसका हम समस्त पद यहां पर क्या लिख सकते हैं, यथा संभव। ठीक है, एक बार इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से इनको नोट करिए। हाँ, अगला जो प्रकार है वो हम यहां पर देखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होगा इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो तत्पुरुष समास में हमें जो है सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो किसका ध्यान रखना है, हमें कारक का। किसका ध्यान रखना है हमें यहां पर, कारक का। ठीक है, कारक हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे हम बात करें हम लोग लिखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से। अब ये वाला से और ये वाला से, इन दोनों में क्या फर्क है, अपादान का जो से होता है इसमें हमेशा अलग होने की जो है संभावना प्रकट होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, संप्रदान के लिए अपादान से, इसके पश्चात संबंध, संबंध के लिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, का की और के। वैसे ही क्या लिखते हैं हम लोग यहां पर, अधिकरण। क्या लिखते हैं हम लोग यहां पर, अधिकरण। अधिकरण के लिए हम यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, एक तो मैं और दूसरी जो है वो क्या है आपकी, पर, मैं या फिर पर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सारे के सारे क्या है, कारक है, और ये उसकी क्या है, विभक्तियां। क्या है, विभक्तियां। ठीक है, ये क्या है आपकी, विभक्ति। चलिए, तो यहां पर जो है सबसे पहला जो है कर्ता ने, इस कर्ता ने जो है इसका हम यहां पर प्रयोग नहीं करते, कर्ता का प्रयोग हम यहां पर जो है नहीं करते हैं। सिर्फ एक तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इनकी ही यहां पर विभक्तियों का हम लोग यहां पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि जो तत्पुरुष समास जो है इसको हम यहां पर किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम तत्पुरुष समास का अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका जो है उत्तर पद, इसका जो है उत्तर पद क्या होता है आपका, प्रधान होगा। उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। और जो पूर्व पद है,
पूर्व पद जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ पर गुण होगा। गुण का यहाँ पर हम अगर देखें तो पूर्व पद जो होगा वो हमें एक विशेषता बताएगा। विशेषता बताएगा मतलब ये आपका क्या होगा, एक तरह का विशेषण होगा। क्या होगा? ये विशेषण होगा। और जो दूसरा पद जो है जिसको हमने प्रधानता दी है, ये पद यहाँ पर क्या होगा आपका, एक तरह का विशेष्य होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि तत्पुरुष समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गुण होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा, और पूर्व पद क्या होगा आपका, विशेषण होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर इसकी उदाहरण अगर देखूं तो मैं इसके यहां पर उदाहरण लिख रहा हूं, और आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं समस्त पद, मैंने लिखा है यहां पर समस्त पद, और यहां मैं लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं मैं इसका, यहां मैं लिख रहा हूं समस्त पद, और यहां मैंने लिखा सामासिक पद। ठीक है, समस्त पद की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे यहां पर लिखा राजपुत्र, क्या लिखा मैंने यहां पर राजपुत्र, अगर मैं इसका यहां पर समास विग्रह करूं तो यहां पर क्या बनेगा, ये राजा का पुत्र, क्या बना, ये राजा का पुत्र। तो देखो यहां पर इन दोनों पदों को, दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमने बीच में क्या प्रयोग किया है, का। और ये का क्या है, का जो है एक प्रकार का हमें क्या बताता है, संबंध कारक बताता है, एक विभक्ति, एक ये क्या है आपकी, एक विभक्ति है जो इन दोनों शब्दों को यहां पर जोड़ रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका जो उत्तर पद है यहां पर क्या है, पुत्र। उत्तर पद क्या है यहां पर, पुत्र, और प्रथम पद क्या है, राजा। तो यहां पर जो है पुत्र की विशेषता क्या है, वो किसका पुत्र है, वो राजा का पुत्र है, वो किसका पुत्र है, वो राजा का पुत्र है। तो यहां पर पुत्र क्या हो गया, विशेष्य, और राजा क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, मैं यहां पर पहले सामासिक पद लिख रहा हूं और उसके बाद हम उसकी क्या बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे। देखिए मैंने यहां पर लिखा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, फिर मैंने लिखा ग्रहागत, ग्रह को आगत, क्या लिखा मैंने यहां पर, ग्रह को आगत। वैसे ही मैंने यहां पर एक और शब्द लिखा आचार कुशल, आचार से कुशल, आचार से कुशल। वैसे ही एक और शब्द में लिख रहा हूं नीति युक्त, क्या लिखा मैंने, नीति से युक्त। ठीक है, और देखिए देश के लिए वृत्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, जन के लिए शक्ति, जन के लिए शक्ति। अब देखिए इन सारे यहां पर सामासिक पदों का हम क्या बना रहे हैं, समस्त पद बनाने जा रहे हैं। पहला जो ये पद है स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त में यहां पर को क्या है, एक विभक्ति है। अगर मैं इसका समस्त पद अगर बनाऊं तो क्या बनेगा आपका, ये स्वर्ग प्राप्त, क्या लिखेंगे हम इसको, स्वर्ग प्राप्त। तो हमने यहां पर विभक्ति को क्या किया, विभक्ति को हमने यहां से हटा दिया। ठीक है, यहां पर देखिए अगला जो है ग्रह को आगत, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम चाहे तो संधि के भी थोड़े नियम जो है लगा सकते हैं। देखो जो ग्रह को आगत क्या बन जाएगा, इस को हटाया तो ग्रह प्लस आगत, तो ये आ जो है इस ह के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, ग्रहागत, क्या बन गया, ग्रहागत। और देखिए इसके पश्चात जो है आचार से कुशल, अगला जो शब्द है वो है आपका आचार से कुशल, तो क्या बनेगा, से हटाया हमने और क्या लगा दिया, आचार कुशल, क्या बन गया, आचार कुशल। ठीक है, नीति से युक्त, नीति से युक्त का क्या बनेगा, नीति युक्त, से हमने हटा दिया, क्या बन गया, नीति युक्त। व्यक्ति को हमने यहां से क्या किया, हटा दिया। अब देखिए
देश के लिए भक्ति के लिए यहां पर क्या है, एक तरह की क्या है, विभक्ति है। इसको हम यहां से हटाएं तो क्या बनेगा, देशभक्ति। क्या बना, देशभक्ति। अगला है जन के लिए शक्ति, तो क्या बनेगा, जन शक्ति। और देखिए, और मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, ये भी देखिए आप। अब कुछ ऐसे उदाहरण लिख रहा हूं मैं, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं समस्त पद। देखिए मैंने यहां पर समस्त पद लिखा, विद्याभ्यास, समस्त पद लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा मैंने, मैंने यहां पर लिखा विद्याभ्यास, ठीक है। अगला मैं एक और उदाहरण यहां पर लिख रहा हूं, सेनापति, सेनापति। वैसे ही एक और शब्द है यहां पर, रसोई घर, रसोई घर। हथकड़ी, हथकड़ी। और देखिए राज दरबार, राज दरबार, ठीक है। और स्नेह मग्न, स्नेह मग्न। और ग्रह प्रवेश, ग्रह प्रवेश। और आप बीती, सबसे आखिरी हम ले रहे हैं यहां पर, आप बीती, आप बीती। बीती में ब में कौन सी मात्रा है, ब में आप बड़ी मात्रा है, त में भी बड़ी मात्रा है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके समस्त पद है। अभी हमने इनका यहां पर जो है सामासिक पद से क्या बनाया, हमने समस्त पद बनाया। अब हम यहां पर क्या बनाने जा रहे हैं, समस्त पद से क्या बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है यहां पर जो शब्द है वो क्या है, विद्याभ्यास, ठीक है। विद्याभ्यास का क्या होगा, विद्या का अभ्यास, क्या बनेगा, विद्या का अभ्यास। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, सामासिक पद विद्याभ्यास का क्या लिखेगा, विद्या का अभ्यास, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। उसी प्रकार जो यहां पर अगला शब्द है सेनापति, सेनापति का हम यहां पर अगर इसका समास विग्रह करें तो क्या बनेगा आपका, सेना का पति, क्या बनेगा, सेना का पति। इन सब में हम बीच में क्या लगा रहे हैं, दोनों पदों के बीच में हम यहां पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार रसोई घर, तो क्या बनेगा आपका यहां पर, रसोई के लिए घर, क्या बनेगा, रसोई के लिए घर, ठीक है। अगला देखें हथकड़ी, तो हथकड़ी का यहां पर क्या बनेगा, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। उसी प्रकार राज दरबार, दरबार किसका है, राजा का दरबार, उसको हम क्या लिख सकते हैं, राज दरबार को ही हम क्या लिख सकते हैं, राजा का दरबार, राजा का दरबार। वैसे ही आप देखें यहां पर स्नेह मग्न, स्नेह मग्न, तो इसका यहां पर क्या बनेगा, देखिए स्नेह में मग्न, स्नेह मतलब खुशी, स्नेह में मग्न, ठीक है। ग्रह प्रवेश, तो क्या बनेगा इसका, ग्रह में प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। और सबसे आखिरी जो है यहां पर क्या है, आप बीती, तो आप बीती का हम क्या बना सकते हैं, आप पर बीती, आप पर बीती, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहां पर
समस्त पदों से सामासिक पद भी बना सकते हैं, और यहाँ पर सामासिक पदों से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, समस्त पद भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बार इनको अच्छे से देखिए और अच्छे से इनको नोट करिए।